गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी। तो क्लास फोर के बच्चे ध्यान देंगे सब्जेक्ट एसएसटी, सब्जेक्ट चैप्टर सेवन और पार्ट थ्री, यानी कि चैप्टर सेवन का पार्ट टू पढ़ाई हो चुकी है। आज पार्ट थ्री शुरू कर रही हूँ। तो चैप्टर का नाम है द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। तो इसके पहले आप लोग पढ़ लिए थे टिक द करेक्ट आंसर, और आज पढ़ेंगे राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। फॉल्स नंबर वन, हिल्स एंड माउंटेन, हिल्स एंड माउंटेन mountains experience experience cold weather in summer, weather in summer, वेदर इन समर। तो सेंटेंस देखते हैं, हिल्स एंड माउंटेन एक्सपीरियंस कॉल्ड वेदर इन समर। पहाड़ और पहाड़ी, यानी कि पहाड़ और पहाड़ियां जो है गर्मियों में ठंड महसूस कराती है, यानी कि कराती है पहाड़ और पहाड़ियां गर्मियों के मौसम में ठंड महसूस कराती है, तो क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ट्रू। अब है टू। टू में क्या है? दिस This make the weather pleasant, weather pleasant, 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 pleasant. This make the weather pleasant. ठीक, हवाएं मौसम को सुहावना बनाती हैं। हवाएं जो है मौसम को सुहावना बनाती हैं। हवाएं जो है मौसम को सुहावना बनाती हैं। तो क्या होगा? True होगा। क्या होगा? True। अब नंबर थ्री शुरू कर रही हूँ। थ्री, मार्शियन राम ऋषि ऋषि द मैक्सिमम
maximum rainfall in the world अब ये सेंटेंस को हम लोग देखते हैं. देखिए, मार्शियन राम रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड. मार्शियन राम जो है दुनिया का अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है. मार्शियन राम कहाँ में है? मेघालय में है. तो मार्शियन राम जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा होती है. तो क्या होगा? ट्रू है. ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है. अब हम लोग देखते हैं फोर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज लाइट रेनफॉल इन द प्लेन. ठीक, इसको देखते हैं. द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काउज लाइट रेनफॉल इन द प्लेन. पश्चिमी जो विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होती है. पश्चिमी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होती है. लाइट रेनफॉल यानी कि हल्की बारिश होती है. नहीं, यहाँ क्या होती है? हल्की बारिश नहीं होती है, यहाँ तेज बारिश होती है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. एक बार और इसको देख लेते हैं. हिल्स एंड माउंटेन एक्सपीरियंस कॉल्ड वेदर इन समर. पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में ठंड महसूस करती है. तो सही है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में था दिस मेक द वेदर प्लीजेंट ट्रू प्लीजेंट. तो इसका है हवाएं मौसम को सुहावना बनाती हैं. यह सही है. उसके बाद है मार्शियन राम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है. मार्शियन राम जो है दुनिया का अधिक वर्षा प्राप्त करता है. मार्शियन राम रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड. वह दुनिया का सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है. ये कहाँ है? तो मेघालय में है. द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काउजेड लाइट रेनफॉल इन द प्लेन. ठीक, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होती है. तेज बारिश होती है. तो अब हम देखते हैं फाइव. द नाइट आर शॉर्ट्स then
the day in winter. In winter. The night are shorter than the day in winter. यानी कि जाड़े में जो है रात क्या होती है, छोटी होती है? नहीं, रात बड़ी होती है, दिन की अपेक्षा रात बड़ी होती है. तो यहाँ क्या करेंगे, यह फॉल्स है, ये गलत है सेंटेंस. ठीक, रात में जो ठंडे में क्या होती है, विंटर के निजारे के मौसम में रात क्या होते हैं, बड़े होते हैं. तो ट्रू फॉल्स खत्म हो चुकी है. अब हम शुरू करते हैं सी नंबर में. सी में है क्या, टेक द थिंग्स यू लव टू हैव ऑन ए हॉट डे. यानी कि गर्मी के मौसम में, हॉट डे में आप लोगों को क्या पसंद है, इसमें सिर्फ क्या है, टिक करना है, टिक लगाना है. तो देखिए, नंबर वन में है क्या है, आइसक्रीम है. तो आइसक्रीम हम लोग गर्मी के दिन मौसम में खाते हैं ना. उसके बाद है क्या, उसके बाद देखिए वाटरमेलन यानी कि तरबूज है, हम लोग यूज करते हैं. उसके बाद है कोल्ड, यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ देखिए वाटरमेलन. उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक, गर्मी के मौसम में हम लोग यूज करते हैं हम लोग को. और उसके बाद है देखिए कॉटन शर्ट, यानी कि गर्मी के मौसम में हम लोग इसको पहनते हैं, कॉटन शर्ट. ठीक, तो आप लोग ये देख लीजिए, देख लिए कि गर्मी के यानी कि हॉट डे में क्या क्या आता है. अब इसके बाद है डी, ये आप लोग को बुक में ही बता दिए हैं. और डी में है, यहाँ पर देखिए डी, यानी कि डी जो है आप लोग को बोर्ड पे लिखवा रही हूँ. Write the following months in the correct column. Columns. ठीक, अब इस देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ पहले समर. समर में जो है कौन कौन से मंथ आते हैं, यानी कि गर्मी के महीना कौन कौन से हैं. तो हम बोर्ड पे लिखवा दे रही हूँ, आप लोग फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा. समर सीजन समर सीजन. फोर मंथ का नाम देना है इसमें. मार्च नंबर टू हो गया, अप्रैल नंबर थ्री, मई नंबर फोर, जून हो गया. ये क्या हो गया, यह हो गया समर सीजन का. अब है रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु में कौन कौन से मंथ आते हैं. रेनी सीजन में है नंबर वन जुलाई, देख रहे हैं ना. टू है अगस्त और थ्री है सितंबर और फोर है अक्टूबर.
देख लिए। तो देखिए ये समर सीजन का है मंथ मार्च अप्रैल मई और जून, ये समर सीजन में आ गया। और रेनी सीजन में हो गया जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। अब विंटर सीजन का लिखवा दे रहे हैं, विंटर सीजन इसमें है नवंबर और टू हो गया क्या दिसंबर और थ्री हो गया जनवरी। और उसके बाद फोर में हो गया फरवरी। ठीक, तो देखिए विंटर सीजन का हो गया नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी। ये विंटर सीजन का हो गया, ये रेनी सीजन का हो गया और समर सीजन का लिखवा दिए हैं। तो आप लोग ये देख लिए कि विंटर सीजन में कौन कौन से मंथ आते हैं, रेनी सीजन में कौन मंथ आते हैं और समर सीजन में कौन से मंथ आते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग फेयर कॉपी पर लिख दीजिए। आप लोग इसको समझ लिए? ठीक, तो इसको फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा। थैंक्स।